सिंगरौली जिले के निवास पापल में संचालित ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल सामने तो विद्यालय का बोर्ड लगा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदर भाजपा पार्टी का कार्यक्रम आए दिन होता रहता है। यह विद्यालय नहीं राजनीतिक अड्डा बन चुका है। हम बता दें आपको, आज भी यहां पर भाजपा मंडल के वर्ग प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन किसी भी प्रकार के बोर्ड को नहीं हटाया गया और यहां पर विद्यालय के बोर्ड के नीचे ही अपना भाजपा का बैनर या बोर्ड लगाकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। और विद्यालय के व्यवस्थापक से जब हमारी बात होती है तो विद्यालय के व्यवस्थापक ने खुद ही कहा भाजपा मंडल का वर्ग प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, यह सामाजिक स्थल है और यहाँ पर विद्यालय पर किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम करते हैं, खासकर भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे यहाँ के सारे कमरे भाजपा पार्टी के कार्यक्रम के लिए हमेशा के लिए उपलब्ध रहते हैं। जी जी, और विद्यालय में भाजपा मंडल के कार्य समिति की बैठक में नहीं थे क्या सर? हम थोड़ी अपेक्षित हैं भाई साहब। तो विद्यालय नहीं चल रहा था सर? चल तो विद्यालय नहीं रहा है, लेकिन वो उनका काम है पार्टी लेवल का, तो कर रहे हैं, हम पार्टी में थोड़ी हैं। सर विद्यालय में ये बैठक होना क्या उचित है? काहे नहीं हो सकती भाई साहब, नहीं सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन भाजपा का बैनर तले पोस्टर बैनर के तले बैठ कर लोगों को बैठक करना, क्या विद्यालय ग्राउंड या विद्यालय कैंपस के अंदर? जी विद्यालय क्या छुट्टी है ना? विद्यालय की छुट्टी है सर, लेकिन विद्यालय में ये सब उचित हमारे हिसाब से तो नहीं है सर। भाई ऐसा क्यों? ऐसे ही ताजातरीन खबरों को देखने के लिए बने रहें यूडी न्यूज के साथ, और मैं हूं पंकज दुबे।